नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार। मैं उज्ज्वल झा मौजूद हैं कैंट हॉस्पिटल में। ये बरेली का कैंट हॉस्पिटल है। जी हाँ, आज जो सेना की तरफ से एक कार्यक्रम किया गया था जिसमें कि कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हुआ है, और ये यही नहीं पूरे भारत में इसका आयोजन हुआ था, और पूरे भारत में सभी कोरोना वॉरियर्स जैसे कि डॉक्टर हैं, पुलिस है, और तमाम सफाई कर्मचारी हैं, ऐसे जितने भी कोरोना वॉरियर्स लगे हुए हैं, इसके लिए तीनों सेनाओं ने मिलकर एक कार्यक्रम रखा था जिसमें कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ की अगर हम बता दें तो ये सैनिक अस्पताल है, मिलिट्री हॉस्पिटल है, बरेली का हॉस्पिटल है, और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि आपको इधर बैंड है तो दूसरी तरफ सेनाएं इधर खड़ी हुई हैं। तो चारों तरफ यहाँ पर का जो जो नज़ारा है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सम्मान हुआ है। और यही नहीं, सिविलियंस भी यहाँ पर पहुँचे थे जिनका एक गिफ्ट दे के संबोधन किया गया, और साफ तरीके से जो है जिस तरीके से सम्मान किया गया, वाकई में कोरोना वॉरियर्स जो इस टाइम में लगातार कोरोना महामारी में जूझ रहे हैं और जो जीत पा रहे हैं, इसमें ज़रूर इन लोगों का सम्मान हुआ है। और ये पहली बार भारत में, पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें कि तीनों सेना एक साथ मिलकर ये एक स्टेप, बड़ा कदम उठाया। देखिए कृष्णपाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप देख भी सकते हैं कि पूरी तैयारी हो चुकी, जो कार्यक्रम था इनका निपट चुका है। हम जानना चाहेंगे कृष्णपाल सिंह, आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर? आज हमारे COVID-19 के वॉरियर्स, इसमें पुलिसकर्मी, हमारे सफाईकर्मी, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे मेडिकल स्टाफ को प्रोत्साहित किया हमारे जनरल साहब ने, जीओसी उत्तर भारत एरिया। तीनों सेनाएं आज एक साथ मौजूद हुई हैं, कैसा लग रहा था? आज ये हमारा गर्व का दिन है कि हम अपनी इस टीम को साथ मिलके उनको प्रोत्साहित किया और आगे लड़ाई लड़ने के लिए और उनको उत्साहित किया। देखिए साफ तौर पे जैसा कि तीनों जल थल और तमाम जो तीन सेनाएं होती हैं वो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि लोग यहाँ पर सभी मौजूद थे, और इस तरफ का नज़ारा हम आपको दिखा दें तो हालांकि कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है, जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है वो साफ तौर पर तीनों सेनाओं एक साथ बैठ कर, बड़ी गर्व की बात है। साफ तौर पर आपने सुना भी होगा कि जैसा कि उन्होंने कहा कि जो सेना है, तीनों सेनाएं एक साथ में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया, ये बहुत ही, यही नहीं बरेली ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए एक गर्व की बात है। मैम आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर आए थे आप लोग? जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल में या अदरवाइज सिविल में भी जो लोग कोविड वॉरियर्स, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनको यहाँ पे फेलिसिटेट किया था। जैसे मैं ECHS में हूँ, वहाँ पे पेशेंट्स देखती हूँ, पुलिस पर्सन थे, और जो MH के जितने भी सफाई कर्मचारी, नर्सिंग असिस्टेंट्स, नर्सिंग स्टाफ, उन सबको फेलिसिटेट किया था। बाहर से भी कुछ लोग आए थे जिनका सम्मान हुआ है यहाँ पर? मैं तो सिविल की हूँ। अच्छा, पर मैं यहाँ ECHS में काम करती हूँ। कैसा लगा सम्मान हुआ इस बार? बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है कि हाँ, तीनों सेना एक साथ मिली है, ये बहुत, और एक साथ मिलकर बहुत स्पेशल फीलिंग है।